समाजवादी कुनबे में कुछ दिनों से शांत दिख रहा विवाद आज एक बार फिर जग जाहिर हो गया। भतीजा अखिलेश से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल ने आज अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। जसवंत नगर से पर्चा भरने के बाद शिवपाल ने अपने समर्थकों से कहा कि चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश सरकार बना ले और मैं 11 मार्च को अलग पार्टी बनाऊंगा। अलग पार्टी की घोषणा करते हुए शिवपाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर मेरा कद छोटा किया जा रहा है, नेताजी के अपमान को सहन नहीं किया जाएगा, बहुत से साथी दुखी हैं, मुझे भले ही भीख मांगनी पड़े लेकिन अपने किसी साथियों को परेशानी में नहीं रहने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने टिकट न मिलने वाले नेताओं के लिए प्रचार करने का भी ऐलान किया। शिवपाल ने कहा कि हमारी पार्टी के कई अच्छे नेता दूसरे दलों से लड़ रहे हैं और मैं उनके लिए प्रचार करूंगा। जो जीतने वाले प्रत्याशी थे उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। इस दौरान शिवपाल ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर भी हमला बोला। शिवपाल ने कहा कि सीएम ने कांग्रेस से गठबंधन कर एसपी को कमजोर कर दिया है। दरअसल सिंबल की लड़ाई हारने के बाद से ही शिवपाल पार्टी में एकदम अलग थलग पड़ गए थे। सोमवार को यह अफवाह भी फैली थी कि वह लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हालांकि शिवपाल ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया था। चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आने हैं। यूपी में सत्ता किसकी होगी ये तो नतीजे आने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि अगर अलग पार्टी बनती है तो नेताजी किसके साथ जाएंगे। देखते रहिए डीबी लाइव।